जनपद में शुक्रवार को जिला अस्पताल एम्स सहित 32 केंद्रों पर 10,415 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 7,498 और सेकेंड डोज लेने वालों में 2,917 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि शुक्रवार को 2 महिला तथा 2 अभिभावक स्पेशल केंद्र पर वैक्सीनेशन किया गया है। इसके अलावा जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स और सीएससी व पीएससी सहित 32 केंद्रों पर कुल मिलाकर 10,415 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। सीएमओ ने कहा कि जिले में वैक्सीन की कमी नहीं है, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया वह लोग वैक्सीनेशन जरूर करवा लें और समाज के साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एम्स में वैक्सीनेशन कराने वाले कृष्णानंद बर्नवाल, सुशीला चौधरी तथा एम्स के वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर तेजस पटेल और सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, ये नंबर कोड है, सही है, ऑनलाइन बुकिंग थी ना आपकी? चले पीछे भाई, ये पहले रजिस्टर तो नहीं किया ना किसी ने? घर पे रजिस्टर किया है? नहीं नहीं, हमारे घर नहीं किया ना। एक सेकंड, ये कितना है? 997। नहीं, कार्ड दे देना इनको, बना के उसका नंबर लिख दो इनका वाला, और नहीं करेंगे। फोन नंबर ये है 94154। ये फोन नंबर आपके पास, फोन अभी आया आपके पास? क्या नाम है? वोटर आई डी आधार कार्ड 1978। नेक्स्ट आ जाओ, आधार कार्ड दीजिए, टोकन। सुशीला चौधरी, कुछ भी बाजार से वैक्सीनेशन हो गया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। बाकी जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि सारे जनता लोग लगवाएं टीका अपना। कृष्णानंद बर्नवाल, सलेमपुर से। वैक्सीनेशन हो गया? हाँ, वैक्सीनेशन हो गया। किसी तरह की दिक्कत नहीं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बाकी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बाकी लोग भी लगवाएं, लगवाने की चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। मेरा नाम डॉक्टर तेजस पटेल है। यहाँ एम्स गोरखपुर में हमने 3 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए हैं
डोज टू के लिए एक है और डोज वन में हम महिला और पुरुषों के लिए एक एक बनाया है और तकरीबन 500 लोगों को वैक्सीनेशन होता है डोज वन और डोज टू मिला के। सर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम ये अपील करना चाहते हैं कि अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और जो व्यवस्था है उसमें हमें सहयोग करें। प्रकार के होते हैं डोज वन और डोज टू दोनों में, जैसे कुछ स्लॉट ऑनलाइन पब्लिश होते हैं तो जो लाभार्थी है वो बुक करा के आते हैं और दूसरे जो डोजेस के हिसाब से हम ऑन साइट वैक्सीनेशन के कूपन इश्यू करते हैं तो वो हमारे पास टोटल डोजेस कितने होते हैं इसके हिसाब से होते हैं तो हम सुबह में ये इश्यू करते हैं और पूरे दिन तक ये चलते हैं। तो हमें हाँ ये और एक और सहयोग हमें आप सबसे चाहिए कि आप अपना कूपन ले लें और अपनी बारी का इंतजार करें। आज हमारे जिले में 32 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है जिसमें से 2 महिला स्पेशल बूथ चल रहा है, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहा है और हमारे संक्रामक रोग विभाग में टीकाकरण चल रहा है, जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में, बिहारी मेडिकल कॉलेज में और हमारी CSC PSC पर टीकाकरण हो रहा है। आज का लक्ष्य हमारा 10,000 से ज़्यादा का है। कल भी हम काफ़ी 18,000 के आसपास वैक्सीनेशन करा, तो हम हमेशा लक्ष्य से ज़्यादा वैक्सीनेशन करा रहे हैं और आज भी हमारा अच्छा वैक्सीनेशन होगा। इसके साथ साथ हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि कोरोना भी गया नहीं है, कोरोना के नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है, वैक्सीनेशन प्लस कोरोना प्रोटेक्शन के नियमों का पालन ही इस महामारी से निजात दिला सकता है। तो सभी लोगों से अपील है कि भीड़ भाड़ इलाकों में बिल्कुल ही ना जाएं, बारी बारी से जहां कुछ काम है वहां जाएं और जब भी बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि बाहर जाकर के घूम करके बगैर मास्क के लौट के आएंगे तो आप अपने घर में ही अपने ही नियर और डियर का उनको बीमारी करें बीमार करेंगे, तो उनके भी बचाव के लिए आपको सजग रहना है। बाहर से बीमारी घर में मत लाइए, जब जाएं तो आप बाहर मास्क लगाइए और घर के अंदर आने के पहले आप हाथ को हाथ पाँव धो करके ही घर के अंदर प्रवेश करें, इसी से बीमारी का प्रोटेक्शन बीमारी से बचाव किया जा सकता है।